ज्यादातर जो पिशाच हमारे देश में घूम रहे हैं ये सारे रोमानिया से आए हुए हैं। इनकी उत्पत्ति वहीं से हुई थी। रोमानिया मेन जगह है पिशाचों की, जहां से पिशाच यहां पर आए और फिर इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जो पिशाच है वो एक नंबर का कामी है। वो तरह तरह लड़कियों से संपर्क करके उनसे संबंध बनाता है। जो शराबी लोग होंगे जो बहुत मदिरा पीते हैं ये उनके पास जाके बैठ जाते हैं और मदिरे का भी आनंद लेते हैं। भोजन चाहिए इनको बहुत सारा पिशाच को। जहाँ भी स्वादिष्ट भोजन बना पड़ा होगा, खुशबू फैल रही होगी, वहाँ कोई ना कोई एक दो, कई दो चार दस बीस पिशाच भी आ जाते हैं। जिसके ऊपर पिशाच का प्रसाद प्रभाव होगा ऐसे आदमी की आंख में शर्म नहीं होगी बिल्कुल भी। जैसे आज आप देख रहे हैं कि बहुत सी स्त्रियां निवस्त्र होती घूम रही हैं। आप देख रहे हैं फैशन शो देखे होंगे आपने। जी जी, क्या हो रहा है उसके अंदर? संपूर्णता नग्न का प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं फॉरन के अंदर जिस व्यक्ति के ऊपर पिशाच का प्रभाव होगा वो नग्न होने से जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। जितने भी आपने ये पश्चिम देशों के अंदर ये नग्नता का नंगा नाच हो रहा है वहां पर, और वो अब इंडिया में भी आ रहा है, वो यहाँ भी आ रहा है। मैंने क्या बोला, ये सारे पिशाच वहीं से आए हैं, रोमानिया से, पेंसिल्वेनिया से, फॉरेन से जहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर अपना विस्तार करते जा रहे हैं, वही नग्नता यहाँ बढ़ती जा रही है। तो पिशाचों से बच के रहना। ये पिशाच यदि पीछे पड़ गया तो ये आपको बर्बाद कर देगा, आपका मान सम्मान खत्म कर देगा, आपको नग्नता की ओर धकेल देगा। आप परस्त्रियों की तरफ भागना शुरू कर दोगे, आपको रोज नई स्त्री चाहिए। ये पिशाचों की पहचान है, क्योंकि पिशाच इतना खतरनाक होता है कि इसकी भूख कभी मिटती ही नहीं है। इसे तो हर वक्त स्त्री के साथ चिपक के रहना है। यदि आपके परिवार में, किसी के जीवन में कोई पिशाच है या ऐसी प्रवृत्ति है कि किसी आपके बच्चे को शर्म नहीं रहेगी आंखों में, छोटी उम्र में बच्चे लड़कियों से संबंध बना रहे हैं पढ़ाई लिखाई के टाइम पे, आजकल इतना गंदा जमाना आ गया है, ये पिशाचों का प्रभाव है। और एक बात और बोलूं आपको मैं, जितनी भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्रियां हैं जी, जी, जी। इनमें बहुत पिशाचों का साया है, मैक्सिमम पर है। मैंने खुद महसूस किया इस चीज को, मैंने अपनी देवी शक्तियों से इस चीज को मैंने खुद देखने का प्रयास किया जो मुझे दिखा है। इसके लिए बड़ा विशेष उपाय दे रहा हूँ, चाहोगे लेना? जी जी जरूर, हम तो ये पूछने ही वाले थे कि पिशाच चिमटे से डरता है। चिमटे से कभी घर में रसोई में चिमटा यूज किया? जी जी जी। आपकी माता बहन रोटी बनाती है चिमटे से? जी, वही चिमटा। ओके, लेकिन ध्यान रखना चिमटा स्टील का नहीं होना चाहिए, सादे लोहे का चिमटा कहीं से बनवा लेना। आड़ा तिरछा मिर्चा सब चलेगा, देखने में थोड़ा भद्दा भी होगा वो ज्यादा काम करेगा। थोड़ा मोटा चिमटा लेना जिसको दबाने से आवाज आए ठक 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 ठक। चिमटा ले लीजिए, रात्रि काल में अपने हाथ पर 7 जलेबी के टुकड़े रख दीजिए, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए, एक चिमटा हाथ में लीजिए उल्टे हाथ में, उसको बजाइए और बोलिए चम 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 चम, पूरे घर में घुमाइए। उसके बाद कहीं घर से दूर जाकर अपने सिर से 7 बार वार कर उसे किसी निर्जन स्थान पर रख के आ जाइए और चिमटा अपने हाथ में लेके आना। ऐसे पिशाचों के शिकारों से एक बात और कहूंगा, रात को सोते भी हो ना तो चिमटा अपने साथ रख के सोना, ये चिमटे से बड़ा डरता है पिशाच। तो चिमटे को हमेशा अपने घर में रखें, महिलाएं, बच्चे, पुरुष अपने पास चिमटा रख के सोइए। आप पिशाच आपके घर से भाग खड़ा होगा।